नमस्ते। ये आज का ट्रेड डिटेल्स है। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छा खासा मूव मिला, लेकिन मैं एक बेकूफ़ी करके रिलायंस पुट कॉल को होल्ड करना चाह रहा था, विदाउट कंफर्मेशन एंट्री किया और 1000 रुपीज़ लॉस हो गया। नहीं तो 1:4 का ट्रेड हो सकता था आज। नो प्रॉब्लम। ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो फुल देखना। ओके, आज का मार्केट जो है ना, निफ्टी, ये शॉर्ट था। ओके, मार्केट तो बहुत वीक था, मतलब बहुत वीक, मतलब बहुत नहीं है, मार्केट तो वीक था, क्योंकि ये वीकली के नीचे है। मतलब लास्ट वीक का जो हाई है ना, वी लो है ना, उसके नीचे ट्रेड हो रहा था। इसका मतलब है निफ्टी वॉज वीक। आपको तो जो करना है सेल करना है। अगर सेल करना है तो मैं कौन सा लेवल को यूज़ कर सकता हूँ। ओके चलो, अगर ऐसा है, अगर आप देखते हो ये कल का ट्रेंड था, मतलब वीकली के नीचे था, एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसको हिट करे आज नीचे गिरे, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कल इधर से इधर तक का लो बनाया था। ओके, जब लो बनाया था, ये कोई ना कोई सपोर्ट को सैक्रिफाइस करके ये नीचे गिरा होगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई इसने ये सपोर्ट को सैक्रिफाइस करके नीचे गिरा था। ओके, ये सपोर्ट को सैक्रिफाइस के नीचे करके ये नीचे गिरा था। ये इधर किधर भी खुला मार्केट, इधर किधर भी खुलने के बाद ये क्या हो गया, मुझे ही इसको हिट करके इधर से रिजेक्शन मिला तो ब्रेक इन से ट्रेड हो सकता था। नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये होते ही फटक से नीचे आ गया। नीचे आके नीचे आ गया। इधर कोई आप एंट्री नहीं कर सकते हो। ओके, किधर से भी घूमता है ना, हायर ही कर दिया तो अभी क्या होगा, मैं अपर लेवल को हटा रहा हूँ, ये जो हाई है ना इधर तक जा सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मतलब आज का रेजिस्टेंस है। इधर इधर से उठा, वही रेजिस्टेंस से जाके ये नीचे कर गया। इनफैक्ट वो तो लास्ट मंथ का जो हाई था ना, लास्ट मंथ का जो हाई है, ये जो हाई है ना, लास्ट मंथ का हाई अप्रोक्सीमेट, अगर मैं एग्जैक्टली डालना चाहता हूँ तो ये दिस इज़ द हाई, एग्जैक्टली वही लेवल से ये गिरा है। मार्केट तो वीक था, आज गिरना ही था, ये चीज़ हुआ है। ओके, तो अगर ऐसा हुआ है तो मेरा पास एक स्टॉक था अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट को मैं क्यों ट्रेड किया, ये भी वीक ही था। मतलब वीक का मतलब है, अगर आप देख सकते हो तो इसका जो भी लो है ना, इट वॉज ट्रेडिंग लास्ट वीक के लो के नीचे है, देख रहे हो आप। ओके, ये लास्ट वीक का लो था, ये इसके नीचे ये ट्रेड हो रहा था। ये स्टॉक तो वीक था। ओके, ये स्टॉक तो वीक था। अभी क्या हो रहा है, ये जो लो है ना, ये जो कैंडल है ना, ये लास्ट टू लास्ट वीक का, वीक वन का लो है। ओके, इसका ओपनिंग इसके नीचे हुआ। इसका मतलब है इसने कोई ना कोई रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। इसका मतलब देखो, ओपन हो गया ना, ओपन होके ऊपर गया रेजिस्टेंस, मतलब इसको ब्रेकआउट करने का कुछ क्या नहीं है। नेक्स्ट कैंडल में ये नीचे आ गया। इधर आप कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस से आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप देखते हो इधर, वे इज इट, मैं 1 मिनट में किया था इसको। हियर देर वॉज अ रेजिस्टेंस। ओके, हियर देर वॉज अ रेजिस्टेंस क्रिएटेड। ओके, वही है ना, या तो आप ये लेवल के नीचे किधर भी आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। मैं 1 मिनट में इसको ट्रेड किया था, 1 मिनट में इसको मॉनिटर करने का कोशिश कर रहा था। जब ऐसे होके, अगर आप देखते हो ऐसे होके ऐसे गया ना, देखो ये इंट्राडे का नया लो बन गया इसमें। ओके, इंट्राडे का नया लो इधर इसमें बन गया। अगर मैं कोई रेजिस्टेंस को देखना चाहता हूँ, अगर मुझे शॉर्ट करना है ये कंफर्मेशन होने के बाद, अगर आप देखते हो दिस इज दिस लेवल। ओके, दिस लेवल इज़ अ ब्रेक इनसाइड लेवल। ये जो कैंडल है ना, 929 का कैंडल जो है, दैट इज़ अ ब्रेक इनसाइड कैंडल। तो ये जो कैंडल ना, इधर से आप शॉर्ट कर सकते हो। मैं एक्चुअली लोअर हिस्से से किया था इसको ट्रेड। इसको 45 मार्केट ऑर्डर में डाल दिया था मैं इसको, मार्केट ऑर्डर में डाल के 60 क्वांटिटी को, 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 60 रुपीज़ पे इसका स्टॉप लॉस था। तो उसके हिसाब से तो जो भी हुआ, मतलब इसका टारगेट तो नहीं मिला, क्योंकि इसका जो टारगेट था ना, माई एक्सपेक्टेशन फॉर दिस ट्रेड वॉज हियर देर वॉज अ हाइएस्ट वॉल्यूम लास्ट मंथ। ओके, ये मेरा टारगेट था 140। इधर तक तो नहीं आ पाया, नो प्रॉब्लम। ओके, इधर तक तो नहीं आ पाया, मतलब जो भी मिला मिल गया इसमें, मार्केट ऑर्डर में ही ये, मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन, हाँ इसमें एग्जीक्यूट हो गया, ऑटो ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो गया। कितने बजे, 120, 321 पे। ओके, ये स्क्वायर हो गया। मेरे पास और एक स्टॉक था अदानी पोर्ट्स, ये
ये जो अदानी पोर्ट्स है ना, अदानी पोर्ट्स जो है इसका भी आज गिरना ही है, इसको भी आज गिरना ही है, क्योंकि अगर आप देखते हो इधर एक 3P लेवल था, इसको इसने विदाउट वॉल्यूम इसको इसने ब्रेक किया था नीचे। ओके, इसका मतलब है अभी क्या होना चाहिए, ये इसके अंदर घुसने का कोशिश करना चाहिए। अगर आप देखते हो कल इसने, कल इसके अंदर घुसने का कोशिश किया था। ओके, मतलब कल का स्ट्रक्चर हाइयर रही है, देखो इसका स्ट्रक्चर हाइयर रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर कल लोअर लो है, बाद में इसका जो सेक्टर है ना, इसका जो सेक्टर है विच इज दैट इंफ्रा, ये सेक्टर भी कल लोअर लो था, तो आज कोई कारण से अदानी पोर्ट्स को ऊपर नहीं जाना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम क्या था देखो, इसको मुझे ये हायर आई स्ट्रक्चर में था, अगर आप देखते हो सो दिस इज ए इम्पोर्टेंट कैंडल। ओके, इसका ओपनिंग तो वीक था, इसका ओपनिंग वीक था, लेकिन इसका रेजिस्टेंस लेवल तो ये वाला है, इसने वो रेजिस्टेंस को हिट नहीं किया था। ओके, तो मुझे कॉशियस होना चाहिए था कि भाई इधर तक जा पाए, नहीं है। इसमें देखो जब ओपन हुआ ना, जब ओपन होते समय इसमें कोई ट्रेड आपको नहीं मिल सकता है, अगर कोई ट्रेड मिलता है इधर से मिल सकता है, सेम एज निफ्टी। ओके, ये हाई एक रेजिस्टेंस है, इधर कंफर्मेशन हो गया तो इधर से मिल जाता है, तो सिर्फ दिखाने के लिए दो क्वांटिटी को इसमें ट्रेड किया था, पहले एक क्वांटिटी को किया था, बाद में मतलब उसको एक करने के लिए जो भी है एक क्वांटिटी में मतलब सिर्फ दिखाने के लिए इसको ट्रेड किया था। बाद में रिलायंस में क्या हुआ था, रिलायंस में 2400 कॉल है ना, रिलायंस रिलायंस को बिना कंफर्मेशन मैंने मार दिया था, मतलब ये लो को नहीं टच करना है इसको, ये जो लो है ना इसको नहीं टच करना है। हाँ, अगर मेरा एक्सपेक्टेशन था ये मंथ का एक्सपायरी में, ये मंथ का एक्सपायरी में शायद ये अंदर घुसेगा, लेकिन ये नहीं घुस पाता है, डेफिनेटली इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये लो तो नहीं टूटना चाहिए था, ये लो टूट गया, मैं वो जो पोजिशन था ना उसको हटा दिया, 1000 रुपीज़ लॉस हो गया, 12 रुपीज़ में एंट्री किया था, तो ये हो गया, नो प्रॉब्लम। तो मिलेंगे, हाँ मंडे मिलेंगे, बाय। चलो टेक केयर।